गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, बहुत ही गहरी बात आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ये कम्युनिकेशन की मास्टर चाबी है। जब आप कम्युनिकेशन करते हो, जब हम 5 मित्र या कहीं भी 10 लोग या 20 लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां पे अचानक से एक रेस शुरू हो जाती है कि कौन सबसे ज्यादा होशियार है। यस, ये अचानक से हो जाता है, या एक रेस हो जाती है। हर व्यक्ति मन में, वहां 2 किस्म के लोग बैठे हैं। एक ऐसा कि जो चाहता है कि कोई मुझे इज्जत दे, कोई मेरे ऊपर फोकस करे, कोई मेरे ऊपर ध्यान दे, और उसको ध्यान को खींचने के लिए वो तरह तरह की हरकतें करता है। दोस्तों, बीइंग इंटरेस्टेड देन बिकमिंग इंटरेस्टिंग, दिलचस्प बनने से ज़्यादा दिलचस्पी लेना है। जब कोई आदमी बता रहा है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा हुआ, तो आप उसको रिस्पॉन्स कीजिए, जैसे कि अच्छा ऐसे हुआ, ओहो ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपने ये कैसे किया, ये तो आप पूरा ऐसे ही कर गए। जब आप उनको इस तरीके से बात करते हो, आप उनकी बातों में इंटरेस्ट लेते हो, तो दोस्त आप उसको बहुत पसंद आएंगे और आपकी उसकी निगाह में आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इसी में आपको कुछ ज़्यादा जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आप सुन रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो। क्योंकि जब आप बोलते हो तो सुन नहीं रहे हो, और सुनना ज़्यादा ज़रूरी है बोलने से ज़्यादा। इसलिए जब भी आप कहीं भी बैठे हो, तो आपको ऐसा व्यक्ति बनना है, ऐसे प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति बनना है, ताकि सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा बोले, और वो जब वो बोल रहा है तो वही बता देगा कि आप उसको आपके साथ काम क्यों करना चाहिए, या उसको इस मौके की सख्त ज़रूरत क्यों है, वो खुद बताएगा। दोस्तों, दिलचस्प बनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दिलचस्पी लेना, क्योंकि जब आप दिलचस्प बनने की कोशिश करते हो तो आप बहुत सारी गलती कर देते हो, अभिमान आ जाता है, और आपके मुंह से कई बार ऐसी लाइनें निकल जाती है और आप लोगों की नज़रों से उतर जाते हो। और अगर आपका नेचर ऐसा है कि हमेशा आप दिलचस्प बनने की कोशिश करते हो, तो लोग आपको धीरे धीरे अवॉइड भी कर सकते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन की दुनिया में ये महाचाबी है, बहुत ही ज़बरदस्त, रॉक सॉलिड, और ज़्यादातर लोगों की गलती होती ही है यहाँ पे। ये बहुत ही सुंदर मास्टर की है। फिर से बोलता हूँ, दिलचस्पी ले, दिलचस्प ना बने, दिलचस्पी ले। कैसे ले सकते हैं, मैंने आपको बताया, उनको अटेंड करके, उनको अप्रूव करके, उनकी बातों को सुन के, अच्छा ऐसे ये कैसे किया आपने, ओ ये तो आप ही कर सकते हो, बहुत बढ़िया, इट इज़ रिमार्केबल। दोस्तों, ये एक किस्म का एप्रिसिएशन है उसके लिए, और जब आप उसको एप्रिसिएशन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आदमी आपको पसंद करेगा। धन्यवाद।